नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। अब फ्लाइट में धारदार हथियार ले जाना अलाउ हो चुका है। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन अब इस डिसीजन को बेहद अहम डिसीजन कहा जा रहा है। एक्चुअली आपको बता दूं कि ये डिसीजन रिलीजन को लेकर किया गया है। सिख रिलीजन को देखते हुए एविएशन मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है। हम सब जानते हैं कि सिख जो है अपने साथ में कृपान लेकर घूमते हैं, इस चीज़ से उनकी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। लेकिन जब फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तब कृपान अब तक अलाउ नहीं किया जा रहा था, क्योंकि वो धारदार होता है। यही कारण है कि अब तक इसे अलाउ नहीं किया गया था, लेकिन अब एविएशन मिनिस्ट्री ने कृपान को फ्लाइट में अलाउ कर दिया है। हालांकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट में ही अलाउ किया गया है, इंडियन फ्लाइट्स में ही कृपान कैरी किया जा सकता है, और उस पर भी कंडीशंस हैं कृपान की साइज को लेकर। कृपान की जो ब्लेड है उसकी लेंथ 6 इंचेस से ज़्यादा नहीं हो सकती, साथ ही पूरे कृपान की जो लेंथ है वो 9 इंच से ज़्यादा नहीं हो सकती। इससे पहले ऑर्डर था कि एयरपोर्ट पर काम करने वाले कोई भी एम्प्लॉयज या एयरपोर्ट पर्सनल्स जो है वो कृपान अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब एविएशन मिनिस्ट्री ने कृपान अलाउ कर दिया है पैसेंजर्स और एम्प्लॉयज सभी के लिए। सिख कम्युनिटी के मनजिंदर सिंह सिरसा ने एविएशन मिनिस्ट्री के इस डिसीजन का स्वागत किया है और उन्हें बहुत बधाई दी है। तो जहां एक तरफ हिजाब को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि क्या हिजाब पहनकर हम स्कूल जा सकते हैं या नहीं, वहीं अब सिख कम्युनिटी को लेकर एविएशन मिनिस्ट्री का ये बड़ा डिसीजन। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।